ये तो आप लोग एक महीना से लगवा रहे हैं, उसका क्या है? आपको भी टीआरपी चाहिए तो कुछ सनसनी बनाना चाहते हैं। लालू जी भी मिलते हैं सुबह में जाकर। तो पार्टनर है तो मिलना क्या, वो क्या, व्हाट इज न्यू अबाउट इट? इसके पहले भी तो लालू जी बहुत बार मिले हैं, तेजस्वी जी, नीतीश जी भी खुद भी बहुत बार गए हैं, मिले हैं, इसमें नया क्या है? इसमें ऐसा नया क्या है कि लालू जी से तेजस्वी जी का और नीतीश जी का मिलना बहुत भारी खबर हो गया? या आप खबर बना रहे हैं ना, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, उसमें ऐड मिलेगा तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। पहले भी सर हो चुका है बिहार में, तीन बार हो चुका है इधर-उधर। हाँ, इसीलिए चर्चा यह है कि इस बार भी हो सकता है सरकार बदल, हो सकता है। तो ये जो भविष्यवक्ता इस तरह की बात कर रहे हैं, वही इसका उत्तर दे पाएंगे ना हम इसकी भूमिका में कहीं से हैं, ना हमारी पार्टी इस भूमिका में है। हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों की कोई इच्छा है। हमारी पार्टी मजबूती से गठबंधन की ओर आगे बढ़ रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट ला के दें, बोलिए, कहिए तो कुछ एफिडेविट उफिट करके दें, उससे आपको आश्वस्त होइएगा तो वही कर देते हैं। सीट को लेकर क्या, कब तक फाइनल हो जाएगा? लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि सीट फाइनल हो जाए, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी, अभी तक हो नहीं पाया। हो जाएगा, हो जाएगा। तो सब तीर कमान आप लोग हम ही लोग पर चलाते हैं, रोज तो चलाइए। उधर भी ढेर लोग है अलायंस में, उधर भी पूछपाछ कीजिए। एक तरफा चलाइएगा तो वो तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो लोग कुछ बोलेगा। हम ही लोग से पूछते हैं। देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही है। हाँ, हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब होगा तब ना नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, लालू जी का माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं वो फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमज़ोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के, जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है, इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो एनडीए वापसी में को लेकर बिहार, इस पर चर्चा हो रही है से जो एनडीए में जाएंगे, ये हमको नहीं जानकारी है अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करेंगे। तो हमसे आप पूछिए तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसलिए कभी नहीं बोले हैं दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई, तब ना, हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। तो हम लोगों का कहाँ कोई प्रस्ताव गया है। क्या मतलब है उस घर से, हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हम उसमें क्या ताक झांक करें? आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झांक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झांक करने जाएं? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे, हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? अब ना हम लोग को, हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार्य, जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जाति अनुमात कम किया, जिस 18 वर्षों में धार्मिक अनुमात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे, हमारे ब्रांड नीतीश कुमार हैं, हम उनको लेके जाएंगे, दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है?
भाई बिरेंद्र बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से भाई बिरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक हैं। जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा सात निश्चय वन था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम सात निश्चय टू लेकर के आए और आरजेडी भी सात निश्चय टू पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है। कहाँ कार्यक्रम बन रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 21 तारीख को माननीय नेता समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जा रहे हैं। हमारा काम है प्रदेश की जो नौजवान हमारे लोग हैं जिनको माननीय नेता ने इस प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो शिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए काम हम कर रहे हैं। हमारी पूंजी, हमारा मंदिर, हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े, वही हमारी पूंजी है। हमारे भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, हमारे नौजवान साथी जो 94 लाख लोग हैं इस प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको जातीय गणना में हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना, ये हमारा राम के प्रति भक्ति। आपका क्या विचार है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपका विचार क्या है? क्यों भगवान राम मंदिर को, राम तो हमारे दिल में बसते हैं, हम भगवान कहाँ ढूंढते ढूंढते करें। तुलसीदास कहते हैं कि कण कण में भगवान है, आप में भी भगवान है, अपने भगवान को पहचानिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान आपके निकलेंगे अंदर से। सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो ब्रांडिंग हो रहा है ना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हर मंदिर में एक छोटे से हनुमान जी का भी स्थापना होता है तो उस जगह हर्षोल्लास होता है, लोग पूरा झाल मदिरा लगाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अखंड कीर्तन होता है, तो हर जगह होता है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ अखंड कीर्तन और भगवान राम के मंदिर बन जाने से देश का कल्याण हो जाएगा? कि जो बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है संख्या बेरोजगारों की, उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है ना। भगवान राम का मंदिर का निर्माण अच्छी बात है, उस पर हम इनकार नहीं करते, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इन दोनों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भगवान राम के साथ साथ, तब जाके इस देश में हर्षोल्लास होगा। सिर्फ एक आप पैमाने को देखकर उसकी आप ब्रांडिंग करिएगा तो दूसरा जो पैमाना बेरोजगारी और महंगाई का है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब जाकर भगवान राम के प्रति और उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। इस भूखे पेट भजन न हो गोपाला, गोपाला भगवान राम को ही कहते हैं। बीजेपी शासित राज्य 22 तारीख को केंद्र सरकार ने भी आधे दिन का छुट्टी दिया है और सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी आधे दिन का छुट्टी होना चाहिए, ये उनकी सोच है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आ जाएगी पूर्ण बहुमत से तो पूरा दिन का छुट्टी दे दें, एक हफ्ता का छुट्टी दे दें। क्या अरे कल का हमको खुद ही नहीं पता है, कल हम बचेंगे कि मर जाएंगे, तो हम आगे का क्या कह सकते हैं, किसका कब क्या होगा, हु नोस। बिहार सरकार छुट्टी देगी कि नहीं आप लोग? क्या भगवान रामनवमी थोड़ी है, प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर तो हम लोग रामनवमी में छुट्टी देते ही हैं और रामनवमी भव्यता से मनाते ही। हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी से सीआर लिखवाने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार अपने आप में एक ब्रांड है, चाहे वो पटन देवी का मंदिर हो, चाहे वो सीता जी के उद्भव स्थान का हो सीतामढ़ी, हर जगह माननीय नेता ने अपने तरीके से उस जगहों के विकास के लिए प्रयास किया है और श्रद्धा के साथ जाते भी हैं। लेकिन साथ साथ इस प्रदेश के जो सूफी लोगों का जो है मजार, चाहे वो मखदूम शाह का मजार हो, मनेर का मजार हो, मुनीबिया हो, सब जगह माननीय नेता ने उसको भी डेवलप करने का प्रयास किया है, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो,
हर जगह, क्योंकि हमारे बिहार में हमारा, हम अपने आप को लोगों को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध को देवत्व प्राप्त हुआ, यहाँ जैन की जन्मभूमि है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, और यहाँ पर सब लोग मोक्ष देने के लिए गया आते हैं, पूरी दुनिया के लोग। तो इतना पवित्र जगह में तो हमें सबको समेट के रखना है ना, हम कोई एक को लेकर नहीं चल सकते हैं जैसे बाकी लोग चल रहे हैं। हाँ, बहुत तैयारी है पूरी तरह से, पूरे, क्योंकि ये सोवा है, शताब्दी वर्ष है कर्पूरी ठाकुर जी की, ठीक है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ पार्टी कर रही है और बहुत भव्यता से, बहुत, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार इस देश में अति पिछड़ों की बात की थी, पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, और एक बड़ा समाज लगभग हम समझते हैं 32-35% जिनकी 36% आबादी है, उनको संगठित करके कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो और उनका कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत से नई चीज़ों को इनिशिएट भी किया था, जिनके पद चिन्हों पर नीतीश जी चल रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, अति पिछड़ों को सबल करने का कार्यक्रम हो। तो इसलिए हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे नेता उनको अपना आराध्य मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं, इसीलिए उनके उस शताब्दी वर्ष को बहुत धूमधाम से मनाने की हम लोग की तैयारी है।